YouTube पे सबसे पॉपुलर जो सवाल आजकल पूछा जा रहा है ना, वो ये है कि अमीर कैसे बने। तो आज तुमको प्रॉपर एक रोड मैप देते हैं, 7 पॉडकास्ट एपिसोड का रिकमेंडेशन, जो तुम्हारे लिए वो जो फंडामेंटल्स होते हैं ना फाइनेंस के, अंडरस्टैंडिंग के, नॉलेज के, वो तुम्हारे लिए क्लियर कर देंगे। लेट्स बिगिन। इंसान को जीवन में अगर फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले चेंज करनी होती है थिंकिंग अबाउट मनी। तुम पैसे के बारे में सोचते कैसे हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी? क्या तुम पैसे से डरते हो? क्या तुम पैसे को अप्रिशिएट करते हो? क्या तुम उसकी सही वैल्यू समझते हो? नहीं समझते। क्या तुम्हें पता है अमीर होना, गरीब होना, पॉवर्टी से ऊपर जाना क्या होता है? नहीं पता है तो तुम्हारे लिए पहला एपिसोड रिकमेंडेशन है, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी बाय नवल रविकांत। यह एपिसोड हर इंसान को सुनना चाहिए। मैं आज तक सोचा के महीने दो महीने में दोबारा सुनता रहता हूँ, बिकॉज बेसिक फंडामेंटल सॉर्ट करना कि पैसा कमाना क्यों है, पैसा कहां काम आता है, पैसा कहां जरूरी नहीं है, पैसे के साथ क्या करना चाहिए, पैसे के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ये 3.5 घंटे में तुमको फंडामेंटली बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। ये एपिसोड है नंबर 1 तुम्हारे लिए, टू सेट द फंडामेंटल्स अबाउट मनी राइट फॉर यू। दूसरी जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि तुम अपने पैसे के साथ कितने स्मार्ट हो। द स्मार्टेस्ट वे टू टेल द वर्ल्ड कि तुम पैसे के साथ अच्छे हो है तुम्हारा क्रेडिट स्कोर। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं एज अ डिलेयर कि यार आज नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके खरीद लेते हैं। दैट इज नॉट व्हाट यू नीड टू डू विद क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट व्हाट यू नीड टू डू विद क्रेडिट स्कोर्स, दैट इज नॉट व्हाट यू डू विद क्रेडिट। क्रेडिट तुम्हारी औकात बताता है कि तुम जीवन में जाके अगर तुम्हें घर खरीदना है, तुम्हें वेकेशन पे आना है, तो तुम उसके लिए किसी से पैसे उधार मांगोगे तो तुम्हें कितने इंटरेस्ट पे, कितना अमाउंट मिल सकता है। उस सब की शुरुआत होती है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि तुम्हें क्रेडिट कैसे बिल्ड करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड टू बिल्ड क्रेडिट बाय द स्मार्ट इन्वेस्टर। स्पॉटिफाई पर मैंने सुना था, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल समझाता है ये क्रेडिट कार्ड के। नाउ ऑफकोर्स ये थोड़ा बाहर वाला ज्ञान है, इंडिया के लिए तुम्हें कॉन्टेक्चुलाइज करना पड़ेगा, बट इट इज ग्रेट टू गेट यू स्टार्टेड ऑन व्हाट यू नीड टू डू। अपेक्षा रिकमेंडेशन भले ही इंडिया स्पेसिफिक ना हो, बट इट इज अ ग्रेट सेगवे टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, विच इज फ्री चार्ज पे लेटर, विच इज अ ग्रेट वे फॉर द मॉडर्न टेक सेवी इंडिया टू यूज फाइनेंस एंड टू यूज pay later and to use credit to improve their life. इनका best feature is कि जब तुम इसको use करना शुरू करोगे, they give you great cashbacks on brands like Zomato, Swiggy, Myntra, Domino's, Tata 1MG and on all the other services that we use in the modern day for all our छोटी बड़ी needs. For example, रोज सुबह मुझे अपनी cook के लिए सब्जी बनानी होती है and it gets really difficult कि यार रोज आप छोटे छोटे transactions करो, OTP डालो, bank verify करो, CV डालो, net banking करो, it is really tiresome. But जब से मैंने free charge pay later use करना शुरू किया, I can just order whatever I want, pay in one tap and at the end of my cycle, जब मेरे को एक साथ पूरा bill pay करना हो तो मैं कर सकता हूँ. Ease of use, amazing cashback and peace of mind. और क्या चाहिए? इसलिए जाओ check out करो free charge pay later, link नीचे description में, free charge की app को download कर सकते हो, तो भी तुम्हें मिल जाएगा। And let's get on with the third recommendation. ये podcast में recommendation में डाल रहा हूं क्योंकि मैं जब ये podcast episode record हुआ था, उस same कमरे में बैठा था and the information, दो episode का podcast है ये, जय भैया हमारे प्रिय जय कपूर साहब ने 22, 23, 24 ऐसे लोग जो अभी कॉलेज से निकले हैं या फिर स्कूल में है, फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आने ना, पैसा आना शुरू हुआ है, उनके लिए उन्होंने बताई हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जिस पे अगर तुम टिक मार्क करते चले जाओगे ना विद एज, विद अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंसिस, तो तुम सेट कर दोगे अपने आप को फ्यूचर में बहुत अच्छे से जीवन जीने के लिए। एंड इट डील्स विद द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हें कितना पैसा लगाना चाहिए, बैंक में कितना पैसा रखना चाहिए, हाउ डू यू सेव, हाउ डू यू एलोकेट योर इनकम, और बहुत सारी चीजें। दो एपिसोड तुम्हारे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट अगर तुम एक यंग इंसान हो, अगर तुम 25 साल से नीचे हो, तो तुम्हारे लिए ये सबसे वैल्यूएबल पॉडकास्ट हो सकता है। एंड जब एक बार तुम्हारे फाइनेंस वगैरह सॉर्ट हो जाए तो तुम्हें आना चाहिए जीवन में इंश्योरेंस पे। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम इंश्योरेंस को ना बहुत लाइटली लेते हैं। आई हैव सीन काउंटलेस पीपल जिन्होंने अपने इंश्योरेंस को, अपने हेल्थ इंश्योरेंस को, कार इंश्योरेंस को, टर्म इंश्योरेंस को नहीं सीरियसली लिया, और उसके बाद एक छोटी सी दिक्कत में उनकी पूरी फैमिली की नेटवर्थ वाइप हो गई। हेल्थ इमरजेंसीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए तुम्हें इंश्योरेंस देना चाहिए। एंड जनरली जब तक हमारे पास वो सिचुएशन आती है, उसके बाद हमें रिलाइज होता है काश ले लेते, विच इज बाय दिस रिकमेंडेशन इज ऑफ एन एंटायर प्लेलिस्ट। नाउ अगेन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बट ये तुम्हें फंडामेंटल बता देगा कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए, तुम्हें कहां से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि तुम अपने खुद के इंडिविजुअल सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। द मनी गाई की प्लेलिस्ट है, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इंश्योरेंस इसके अंदर है, जाओ देखो। ओके, तो पॉडकास्ट रिकमेंडेशन नंबर 5 है बाय द फाइनेंशियल फेमिनिस्ट। इसका टाइटल बहुत बढ़िया है, हाउ डू आई गेट स्टार्टेड। जीवन में अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, चाहे तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, चाहे तुम्हें घर खरीदना है, चाहे तुम्हें यहाँ इनवर्नेस में स्कॉटलैंड वेकेशन पर आना है, तुम्हें करनी पड़ती है उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि इसमें होता है खर्चा। तो अगर तुम जीवन में शुरुआत कर रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यार मैं किस गोल को कैसे बनाऊं, मुझे ये नया फोन भी खरीदना है, मुझे वेकेशन भी जाना है, मुझे रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है, तो यू अंडरस्टैंड एंड यू गेट स्टार्टेड विद दैट बाय नोइंग कि तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, एंड उसके लिए ये पॉडकास्ट
समझने के लिए बेस्ट है। पॉडकास्ट रिकमेंडेशन नंबर 6 उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यार तुम जीवन में, करियर में, जॉब करते करते अमीर नहीं हो सकते, तुम्हें हसल करना पड़ेगा, तुम्हें स्टार्टअप करना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये फाइनेंस रिलेटेड एक पॉडकास्ट नहीं है, दिस इज रादर अ वीडियो और अ रिकमेंडेशन जिसमें तुम अपने करियर को, अपने पाथ को, अपने आप को थोड़े नए पर्सपेक्टिव देख पाओगे, फिगर आउट कर पाओगे तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। दिस इज अ वीडियो कॉल्ड हाउ टू डिजाइन अ लाइफ यू लव बाय अली अब्दाल। इसमें जिस सेक्शन पे हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे वो होगा करियर वाला, फाइनेंसिस वाला, प्लानिंग वाला। मान लो तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लटर है कि यार ये भी अचीव करना है, ये भी चेक मार्क करना है, दुनिया कहती है ये करो, वो सारी क्लटर को सॉर्ट करने के लिए ये एक आधे घंटे का वीडियो तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगा। ओके एंड फाइनली पॉडकास्ट रिकमेंडेशन नंबर 7 है बाय द फाइनेंशियल फेमिनिस्ट, उनका एपिसोड विद एंडी हॉल, मैनेजिंग फैमिली फाइनेंसिस। देखो अभी तुम बड़े हो गए, तुम जॉब कर रहे हो, थोड़ा पैसा कमाओगे, फिर फैमिली होगी, हो सकता है तुम्हारी ऑलरेडी फैमिली हो एंड तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यार बच्चों की पढ़ाई करनी है, अभी तक तो अपने लिए जी रहे थे, अब बच्चों को भी देखना है, घर वालों का भी ख्याल रखना है, अपने फ्यूचर के लिए भी प्लान करना है, तो उसके लिए कहाँ से शुरुआत करें। तो उसके लिए ये एपिसोड कि फैमिली फाइनेंसिस क्या होते हैं, तुम्हें एजुकेशन के लिए कैसे प्लान करना चाहिए, तुम्हें इमरजेंसी के लिए पैसे प्लान करना चाहिए, तुम्हें फैमिली की जनरल हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए कैसे प्लान करना चाहिए, उस पर स्टार्ट करने के लिए एंडी हॉल का ये बहुत ही बढ़िया है। उनका खुद का भी अपना एक अच्छा पॉडकास्ट है, फाइनेंशियल फैमिलीज का भी अपना एक अच्छा पॉडकास्ट है, बट इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए जहां पे तो अपने फैमिली से रिलेटेड चीजों के बारे में समझना है, बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। तो ये थे वो 7 पॉडकास्ट रिकमेंडेशन जो मैं एक बिगिनर को बोलना चाहूंगा कि यहां से शुरुआत करो। ऑब्वियसली दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज समथिंग दैट आई हैव कंज्यूम्ड माईसेल्फ एंड आई थॉट कि ये बढ़िया है, इसको और लोगों के साथ शेयर करते हैं, और लोगों को भी जानने समझने को मिलेगा तो सब खुश रहेंगे। जाओ यहां से शुरुआत करो, अपने जीवन में अगर फाइनेंस को थॉट करना है ना तो पैसे से डरना नहीं है, बस समझना है कि पैसा काम कैसे करता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा मेस्ट फायदा कैसे कर सकता है। उसके लिए तुम्हें लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो है उसको तुम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो एंड तुम अपने करियर में, लाइफ में आगे और कैसे बढ़ सकते हो, उसके फंडामेंटल सेट करने हर इंसान के लिए वो अलग होते हैं, इसीलिए इनको सुनो, अपना फंडामेंटल बनाओ, अपने फाउंडेशन बनाओ और मस्त ऐश करो। जाके फ्री चार्ज पे लेटर को चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड ऐसी और वीडियोज चाहिए तो नीचे प्लेलिस्ट भी है, चैनल भी जाके देख सकते हो एंड आई विल सी यू in the next one. Goodbye.